मेरा बेटा अमन मुझे हमेशा बिटिया कहता था, और मोस्टली संडे को वो किचन में सुबह आ जाए जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती थी और मेरे बालों को खोल के और सहलाते हुए बोले कि रानू बिटिया बड़ी रानी है। वो मेरे निकनाम के आगे रानी बिटिया जोड़ देता था। और बचपन से ही उसको हर चीज़ सीखने का शौक था। सेवेंथ ईयर से ही, सिक्स से ही वो टॉपर ही था क्लास में। उसके पापा भी गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो नाइन्थ से उसने हॉबी में गिटार लिया और 2 साल में ही वो मास्टर हो गया, बहुत अच्छा गिटार बजाने लग गया। फिर कैशियो बजाता था, तो स्कूल में प्रोग्राम्स में, एनुअल फंक्शंस में टीचर्स ने उसको बोला कि तुम म्यूज़िक में अच्छे हो तो तुम प्रोग्राम दो, कैशियो बजाओ। तो एर्थ में था, उसने जिया धड़क धड़क जाए ये सॉन्ग बजाया स्कूल में और उसको बहुत सुंदर सा कप मिला एक, वो कप आज भी रखा है मैंने, लेके आया, बड़ा खुश था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। तो म्यूज़िक के साथ साथ उसकी और भी हॉबीज़ थी, गेम्स, गाड़ियाँ चलाना, बाइक्स चलाना। उसके पापा ने ड्राइवर को बोला कि इसको गाड़ी चला दो सिखाना, तो ड्राइवर के साथ गया, लौट के आया तो ड्राइवर ने बोला कि भैया जी मैं इसको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा या यही मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहा है। ये तो एक ही दिन में ड्राइव करने लग गया। तो ऐसे ही 10th के बाद फिर उसको आगे की पढ़ाई के लिए कोटा जाना पड़ा, रेजोनेंस में उसने कोचिंग की IT के लिए 2 साल। तो वहाँ पर उसने जब स्टार्ट किया था तो 16th बैच में था और विद इन ईयर, 1 साल में ही वो फर्स्ट बैच में आ गया। सारे टीचर्स, रेजोनेंस के सर, सभी उसकी तारीफ करते थे कि बहुत लेबोरियस है, बहुत जल्दी इसने, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि निकालेगा, क्रैक करेगा IT। 2 साल उसने वहाँ बहुत मेहनत की, सिर्फ हॉलीडेज में 10 डेज या 15 डेज के लिए आ पाता था। 4 साल सिम्बायोसिस में रहा, वहाँ उसने BTech और BBA दोनों एक साथ किया, 12 डिग्री कोर्स किए। उसकी जॉब उस समय नहीं लग रही थी, कैंपस सिलेक्शन में और बच्चों का हो गया, उसका नहीं हुआ था। बड़ा टेंस था, बनारस आ गया हमारे पास, हो नहीं रहा, चिंता नहीं करो, हो जाएगा, और सबके लिए कुछ ना कुछ कुदरत सोच के रखती है, टाइम आएगा तो तुम्हें मिलेगा रिजल्ट क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। और वही हुआ, अचानक ही उसका कॉलेज से ही फ़ोन आया कि बैंगलोर की एक कंपनी आने वाली है, आप तुरंत वापस आ जाओ और यहीं पे है आपका कॉलेज कैंपस में ही इंटरव्यू और सिलेक्शन होने हैं। देन उसका हो गया बैंगलोर में, एक अच्छी कंपनी थी उसमें अच्छी जॉब मिल गई, वो रात के रात वोल्वो से ही बैंगलोर चला गया, वहीं उसने जॉब ज्वाइन कर ली। 2 साल रहा उस जॉब में, बहुत अच्छी तरक्की की। फिर उसको ये था कि इन बिटवीन हम लोग भी दिल्ली आ गए थे तो हम भी आ जाएं पेरेंट्स के पास, कुछ टाइम रह लेंगे, क्योंकि 6-7 साल से बाहर ही बाहर था। उसने फिर दिल्ली की एक कंपनी ज्वाइन की ओखला में, तो हम रोहनी में थे, तो बोला आप भी फरीदाबाद आ जाओ, मुझे पास पड़ेगा यहाँ से, अप डाउन करना मैं इतना दूर से नहीं करूँगा, देन वी विल शिफ्टेड हेयर। फरीदाबाद में हम भी शिफ्ट हो गए सभी, और अच्छा कर रहा था। फिर 1 साल बाद ही उसको फिर एक और कंपनी का ऑफर आ गया, चेन्नई का। फिर चेन्नई गया, वहाँ उसको एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा लगा, वो साउथ कल्चर थोड़ा सा अलूफ लग रहा था, उसको लोनलीनेस फील हो रही थी। फिर उनको उसने शर्त रखी कि मैं दिल्ली से, में ऑफिस है गुड़गांव में, मैं वहीं से काम करूँगा अगर आप बोलते हो तो, दे एग्रीड। फिर 1 साल गुड़गांव से ही वही जॉब की उसने, फिर उसको बॉम्बे में मिल गया, फिर बॉम्बे चला गया 3 मंथ्स के लिए, बॉम्बे में रहा, वहाँ भी बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी जॉब थी, हमें लगा अब ये टिकेगा यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए। हार्डली 3 मंथ्स बीते होंगे तो फिर फ़ोन आ गया कि मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ, मेरे को पीतमपुरा में बहुत अच्छी जॉब लग गई है, मैं बॉम्बे छोड़ रहा हूँ। फिर अगेन वो आ गया, वापस आ गया दिल्ली। अच्छा खासा सब चल रहा था, डेली अपनी गाड़ी से पीतमपुरा आता था जाता था, 80-90 किलोमीटर रोज की ड्राइव होती थी उसकी, पीसफुल माइंड रहता था हमेशा, बुक्स भी पढ़ने का शौक था, मैं भी बहुत बुक्स पढ़ती थी,
हम शेयरिंग भी करते थे स्टडी, ये बुक अच्छी है, या कभी कोई अच्छी मूवी देखे कुछ घाटों के बनारस के बारे में या किसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसको भी इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में और मुझे भी था, तो मेरे को बोलता अब आप ये बैठ के ना मूवी देख लेना, लैपटॉप में लगा के देख के चला जाता था मुझे। ऐसे ही उसका अच्छी बॉन्डिंग थी मैं हमारे साथ, तो बहुत ही एकदम फ्रेंडली ही था, कुछ भी अपना शेयर करना हो तो पूछता था ये काम ऐसे कर लें या ये कर लें। बाकी जो उसके टेक्निकल वो होते थे वो पापा के साथ शेयर करता था, बैंकिंग है या गाड़ी खरीदना है या मोबाइल खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, तो चलो आप चलो मार्केटिंग सर्वे करके पूरा कुछ नेट पे, फिर नेहरू प्लेस या कहीं भी जाते थे मॉल वॉल परचेजिंग के लिए दोनों। हमेशा ऑफिस से ही सिस्टर को फ़ोन करता था, बड़ी सिस्टर है उसकी मैरिड है दिल्ली में, कि सैटरडे संडे है तुम आ जाओ अपने फ़न करेंगे, और दोनों बहुत क्लोज थे, अपने सीक्रेट्स दोनों एक दूसरे को शेयर करते थे, जो उनको लगे कि पेरेंट्स को बाद में बताना चाहिए कैसे बताना, आपस में राय कर लेते थे कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है। तो उसका था कि हाँ दिवाली के एक दिन बाद भैया दूज पे तुम यहाँ आना, तो मुझे सिंगापुर जाना है जॉब में, तो 4-5 days तो तुम यहाँ रहना ही रहना मेरे पास, फिर हम चलेंगे शॉपिंग पे, मेरे को ये लेना है वो लेना है, सब सामान तो मेरे को फिर दिला के मॉल से वो करके परचेजिंग करवा के पैकिंग मेरी करवा के, कभी अपनी पैकिंग करता नहीं था, हमेशा उसकी पैकिंग उसी को बोलता था करने के लिए। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, और बहुत ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा दोनों फ्रेंड्स भी थे आपस में। और वैसे ही उसका कज़न था प्रखर, उसके मामा का बेटा, वो भी इवन दो कि उससे 6 साल बड़ा था, उसकी शादी भी हो गई थी, बट दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तीनों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी आपस में बच्चों की। और चूंकि फरीदाबाद में आसपास ही रहते थे तो मिलना जुलना भी अक्सर हमेशा होता ही होता था हर थोड़े दिन पे। दिवाली वाले दिन की बात है 2019 की, तो ऑफिस से ही फ़ोन किया कि आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ ऑफिस से, तो मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के घर साकेत, और मेरे दो फ्रेंड्स मेरे साथ ही आएंगे दिवाली का, अपने साथ ही रहेंगे, आप डिनर वगैरह सबके लिए बना लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो ऑफिस से ही पीतमपुरा से साकेत चले गए, और साकेत से शाम को 5:30-6 बजे के बाद दो फ्रेंड्स को लेके आया, सब हैप्पी थे, मैंने सबको स्नैक्स दिया, फिर डिनर बनाया, सबको डिनर खिलाया, फिर मदर इन लॉ मेरी उसकी दादी ने बोला आप सब बच्चे चलो मेरे साथ पूजा करो दिवाली की, सबने मिल के पूजा की, फिर वो लोग बैठ के गिटार सुन रहे थे उसका, बोले तुम गिटार सुनाओ, एक छोटा सा डॉग भी था उसको बैठाया, पैरों में उसके बैठा रहता था, और फिर उसने बहुत अच्छा सॉन्ग बजाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके फ्रेंड्स ने उसकी रिकॉर्डिंग भी की, सब इंजॉय कर रहे थे। मैंने उसके फ्रेंड्स को बोला अब 11 बज रहे हैं तुम लोग यहीं सो जाओ आज, रुक जाओ रात को इसके पास ही, तो बोले नहीं आंटी कल ये हमारे पास आने वाला है मॉर्निंग में, कल ये दिन भर वहीं रहेगा मेरे घर पर, तो हम लोग ओला से चले जाते हैं। तो 11:30 के बाद वो लोग चले गए खा पी के, फिर मैं भी टायर्ड थी, मैंने कहा तुम रेस्ट करो मैं भी रेस्ट करती हूँ, तो बोला हाँ ठीक है। आधे घंटे बाद 12:00 उठ के आया कि मेरे को भाई बुला रहा है मामा का बेटा, मैं जा रहा हूँ उससे मिल के, आधे घंटे में आ जाऊँगा आप लोग रेस्ट करो। मैं कहा इतनी रात में मत जाओ, कल ऑफिस बंद है छुट्टी है कल चले जाना। बोला नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो आप सो जाओ, मेरे को चाबी दे दो मैं चला जाता हूँ। बच्चे सुनते हैं नहीं, पास में ही था 2-3 किलोमीटर पे ही घर था, मैंने कहा चलो मिल के आ जाएंगे, घंटे में चला गया। और फिर 1:30 बजे करीब हस्बैंड की नींद खुली, तो उन्होंने कॉल किया कि इतना लेट हो रहा है तुम आए नहीं, कहाँ हो क्या कर रहे हो। मैं बस बस ये मामा के घर के नीचे ही हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ, रास्ते में ऑन द वे हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। भतीजे ने भी बात की, नमस्ते किया, सब हैप्पी दिवाली विश किया। फिर बाय चांस थके थे हम दोनों की आँख लग गई, और करीब पता नहीं चला आया नहीं, 2:30 बजे के बाद 2:45 के करीब बेल बजी डोर बेल, मैंने कहा वही होगा, मुझे लगा कि अमन ही आया होगा। मैं उठ के गई तो दो लड़के अनजान खड़े थे, मैंने कहा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने गाड़ी नंबर हमारा बताया, ये गाड़ी आपकी है, मैंने कहा हाँ। बोले आंटी ये गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा, आप घबराइए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो पुलिस भी है नीचे गाड़ी में, बट पुलिस रुकेगी नहीं, तो वो इन्फॉर्म करके आपको चली जाएगी, आप चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ।
तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा क्या हो गया क्या नहीं। बच्चे फोन कर सकते थे कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो बता सकते थे। तो मैंने कहा अच्छा दो मिनट रुको, मैंने हस्बैंड को उठाया फटाफट, हम लोग ने कुछ लिया अपना पैसे वैसे लिए, निकल गए साथ में उनके। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, कोई था भी नहीं घर में सिवाय मदर इन लॉ के, वो भी काफ़ी ओल्ड एज की हैं, तो उनको नहीं बताया हमने कुछ। हम बाहर से ही लॉक करके चले गए। वो भले बच्चे थे, वो भी कहीं दिवाली मना के किसी अपने फ्रेंड्स के घर से लौट रहे थे, तो उन्होंने हमें सर्वोदय हॉस्पिटल में ड्रॉप किया 19 सेक्टर में। और वहाँ पे डॉक्टर से मिले ये हस्बैंड, तो बोले कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी लेट हो चुका था और काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है हेड से, तो हेड इंजरी ही थी सिर्फ, अदरवाइज बिल्कुल बेड पे लगा था कि अमन सो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कहीं कोई चोट नहीं थी, हल्की सी बस चिक्स के ऊपर खरोच थी। बहुत हिलाया डुलाया, बहुत उसको वो किया, बट कुछ बचा नहीं था। वहाँ पे डॉक्टर्स हम लोग को कंसोल करके चले गए। बस फिर वो अफरा तफरी वाला माहौल था, कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, लग रहा था कि कहीं कुछ मिस्टेक है, शायद डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया है या कहीं कुछ और बात है। फिर से किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हाँ हस्बैंड बोलने लगे हम अपोलो ले जाते हैं, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ कुछ एम्बुलेंस वगैरह अरेंज कर दीजिए। बोले मैं कर दूंगा आप ले जाइए, बट अब कुछ हो नहीं सकता है, आप उस चीज़ को समझिए, विश्वास करने की कोशिश कीजिए, आप अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कीजिए जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे थे बट ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं कर पाए। आप अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कीजिए और सबको बुलाइए। मिडनाइट का टाइम था, 4-5 बज रहे थे, भोर हो रही थी सुबह की। फिर हमने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, डॉटर को फ़ोन किया, उसके हस्बैंड को बताया, उसको नहीं बताया डॉटर को, उसके जेठ को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सीरियस है, आप लोग यहाँ पहुँच जाओ फरीदाबाद। तो एक घंटे के अंदर ही काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उसके दो फ्रेंड्स जो रात को वापस गए थे साकेत, फिर उनको फ़ोन किया, वो भी एक घंटे डेढ़ घंटे में आ गए। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अच्छा खासा हंसता खेलता रात में छोड़ के गए, 5 घंटे बाद आप अंकल ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बच्चे भी तुरंत ही आ गए, दोनों ने बहुत हेल्प की हमारी, पूरे टाइम वो हमारे साथ पूरे दिन रात तक बने रहे। फिर मुझे चिंता हो रही थी कि इसके साथ भतीजा भी था, उसका क्या हुआ, मैं बार बार उसके बारे में पूछ रही थी बट मुझे कोई बता नहीं रहा था क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जा चुका था। और हम सबको यही बोला जा रहा था कि उसको ब्लड चढ़ रहा है, उसका ऑपरेशन होना है, अभी 12 बजे डॉक्टर आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बीके हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन चल रहा है। मैं ध्यान नहीं दिया मुझे, मैं अपना प्रेयर्स करती रही, चैंट करती रही कि कम से कम एक गया तो एक तो बच जाए, दोनों फैमिलीज के बीच में एक तो रह जाए। मैं बार बार, मैं बुद्धिज़्म में थी, चैंट करती थी, तो मैं रेगुलरली वही चैंट कर रही थी। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो थोड़ा आश्चर्य भी कर रहे थे कि आंटी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं करती हूँ और मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ। तो उनको आश्चर्य भी हुआ कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो कि आपके सामने ऐसा ऐसा हो रहा है और आप अदर्स के लिए प्रे कर रहे हो। मैंने कहा यही हम लोग को टीच किया जाता है कि फर्स्टली प्रे फॉर द अदर्स एंड बुद्धा विल टेक केयर फॉर योर सेल्फ। तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो अभी भी 4 दिन पहले हमारे घर आए थे बनारस से, चारों बच्चे आए थे, तो अभी भी उसी चीज़ों को लेके बातें कर रहा था कि आप इतना पीसफुल रह के कैसे मैनेज कर रहे थे सारी चीज़ों को। देन मैंने अपने ब्रदर की चिंता हो रही थी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा वो इस चीज़ से कैसे कवर अप हो पाएगा, कैसे उसको लेगा उन चीज़ों को। और भाभी के ऊपर भी था कि वो भी बहुत अटैच थी प्रखर से अपने बेटे से, तो वो क्या समझेगी कैसे लेगी, उसकी छोटी सी 2 साल की बेटी है, वाइफ है। अब क्या हुआ उस दिन, कैसे उन लोग का एक्सीडेंट हुआ, आज तक किसी मिस्ट्री बनी, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तो मुझे यही चिंता थी, तो मैं फिर घर गई, उनके घर गई, यहाँ अपनी बेटी को भेजा अपने घर के, तुम जाओ दादी को और सबको देखो, डॉग को, और मैं उधर जाती हूँ। मैं उधर गई, उन लोगों को तब तक नहीं मालूम था। उसके बाद ही फिर जब
ले गए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में, बीके हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से सर्वोदय से डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी और बोला कि अब आप इनको एम्बुलेंस से लेके जाएं बीके हॉस्पिटल, वहाँ पे मर्चरी में सारी चीज़ें होंगी पोस्टमार्टम, क्योंकि एक्सीडेंट का केस है तो ऐसे हम नहीं दे सकते आपको बॉडी। वही उसके दोनों फ्रेंड्स थे जॉन एंड सौरभ, वो लेके गए साथ में। वहाँ पे करीब करीब शाम हो गई, काफ़ी टाइम लग गया। फिर थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर हम लोग को बोला कि आप ब्रदर के घर चले जाओ, वहाँ पे ही रहो, वहीं हम लेके आएंगे दोनों को। फिर शाम तक हम वहीं चले गए, फिर वहाँ पे शाम को लेके आए दोनों बच्चों को, दो एम्बुलेंस से। तो अच्छा तो नहीं था एटमॉस्फेयर, सभी बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट एक साथ दो बच्चों का एक ही परिवार से जाने का। बहुत बुरा टाइम था, बहुत सदमा था सबके लिए, बहुत बड़ा सदमा था। बट मेरा कुछ ऐसा था कि लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस मेरे बचपन से ही था। मैं 14 इयर्स की थी तभी मेरे मदर चले गए थे, तो तब से मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि क्या है, हम क्यों आते हैं और क्यों ऐसे चले जाते हैं। एक नॉर्मल 70-80s में किसी की डेथ होती है ओल्ड एज की, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, बट ऑल ऑफ सडन 30s-40s में क्यों ऐसे बंदा चला जाता है। तो वो एक थर्स्ट थी मेरे अंदर, तो मैं बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती थी और देखती भी थी, मूवीज वगैरह में भी उसमें सब सर्च रहता था मेरा कि क्या है क्या नहीं। और वैसे ही सेम अमन का भी नेचर था, उसको भी बहुत थर्स थी स्पिरिचुअलिटी की कि क्या है डेथ। वो कभी भी गॉड को उतना ज़्यादा नहीं वो करता था, तो तुम लोग को कोई काम नहीं है, सिर्फ दिन भर पूजा ही करो, घंटी बजाओ, प्रसाद बांटो, यही काम है, मैं ये सब नहीं करता। दादी के ऊपर बहुत गुस्सा करता था, हम खुद ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वो इस तरह की मूवीज बहुत देखता था, नेट पे बहुत स्टडी करता रहता था, जबकि उस समय हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सुनते थे उसके रूम में आते जाते, खाना देने गए, कुछ चाय कॉफ़ी देने गए, तो कि वो चल रहा है वीडियो, या रात में 2-2 बजे रात तक वो बैठ के कुछ मेडिटेट कर रहा है, कुछ सुन रहा है। और जाने से पहले वो 20 डेज पहले वो ओशो के आश्रम पूना गया, वहाँ उसने 2 डेज का कोर्स किया मेडिटेशन का, वहाँ रहा, स्टे किया पूरा दिन का, वहाँ मेडिटेशन था, वहाँ मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं था, मुझे बता के गया था। वहाँ से आया तो खुश था कि अभी मैं करूँगा परस्यू इसमें, और भी अब धीरे धीरे मैं इसमें स्टडी करूँगा। मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छी चीज़ों पे फोकस है इसका, तो कम से कम अकेले रहेगा अभी सिंगापुर में, तो इतना डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस कम रहेगा। और था बहुत इंटेलिजेंट, उसके सेल्फ डिसीजन होते थे और मोस्टली सही होते थे। उस समय इतना फैमिली डिस्टरबेंस हो गया, फिर भी मैंने बहुत हिम्मत की और अपने फैमिली के साथ साथ ब्रदर की फैमिली को भी बहुत सपोर्ट दिया, उसकी भाभी को, ब्रदर को, उसकी सिस्टर को, उसकी वाइफ को। सब मेरे को पूछते थे कि आप बुआ कैसे कर लेते हो इतना, क्योंकि अब तो आपको मालूम है ना कि अब तो बंदा जा चुका है, वो नहीं आएगा। जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो भी उसकी निशानी है या जो भी और लोग हैं आप लोगों, तो उनको टेक केयर करना अब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो गम है वो तो हमारे अंदर रहने ही वाला है, वो जल्दी से जाने वाला नहीं है। उस समय ऐसा ही लगता था कि वो रिमूव नहीं कर सकते हैं हम। बाई चांस मुझे माइल्ड सा कोरोना हो गया, तो 14 डेज के लिए मैं अपने रूम में बंद थी, बाहर नहीं आना था, तो मैं बुक्स पढ़ के ट्राई करती रहती थी अपने ऊपर ही पूरा, तो मुझे एनर्जी फील होती थी। तो एक दिन किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो मेरी एनर्जी कमर के पास कहीं स्टक हो गई, वो मेरा टूट गया बीच में ही मेडिटेशन, तो वहाँ मुझे पेन फील हुआ। अब मुझे लगा कि ये मैं पेन था नहीं, अचानक से क्यों हो गया, शायद दोबारा वही चीज़ सर्कल पूरा मैं करूँ तो शायद ठीक हो जाए। तो फिर मैं जैसे ही फ्री टाइम मुझे मिला, मैंने फिर से लेट के पूरा बॉडी का पूरा मेडिटेशन किया, हर जगह फोकस करते हुए, और वो मेरा पेन फिर कमर का नेक्स्ट टाइम चला गया करने से, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया मेडिटेशन में। फिर बुक्स पढ़ती ही रहती थी जितना टाइम मिलता था उतना, कोई ना कोई बुक रहती थी मेरे साथ में। बुद्धिज़्म में थी तो उसकी भी बहुत सारी बुक्स रहती थी पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है रोनी में जो मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि ये मेडिटेशन है, तुम ये ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने वो ज्वाइन किया, तो अच्छा लगा मुझे। फिर उसमें बहुत सारे कोर्सेज थे, वो सारे कोर्सेज मैंने किए,
करते 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 मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वो उसमें हीलिंग के बारे में बताया जाने लगा कि आप सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हो, किसी भी ग्रीफ से, किसी भी पेन से, या किसी भी तरीके के सेटबैक से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। अच्छा लगा, मैं फिर उसमें आगे बढ़ने लग गई और स्टडी किया, मेडिटेशन किया, बुक्स पढ़ी काफ़ी सारी। उसमें एक बुक थी यू कैन हील योर लाइफ, आत्मा की यात्रा, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उस बुक में भी हम कुछ हमारे जैसी ही स्टोरी थी, एक मदर के दो बच्चे एक कार एक्सीडेंट में चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है मदर, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, हर पंडित, हर पूजा, हर पाठ, ये कैसे, ये हुआ, क्यों हुआ, बहुत क्यूरियस होते हैं। फिर उनको बच्चे उनके जो होते हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड से उनको गाइड करते हैं, उनको फिर पूरी वहाँ की जर्नी के बारे में फिर उनको बताते हैं, और फिर वो एक बुक लिखती हैं, वो ही बुक है वो जो हमने पढ़ी। तो वो बुक पढ़ के मुझे बहुत बहुत नॉलेज हुई है, और बहुत ये हुआ कि नहीं, इस वर्ल्ड के अलावा भी बहुत कुछ है जानने के लिए अभी, जिसको कि हम नहीं जानते। अपने बेटे की डेथ से मैंने यही सीखा कि लाइफ किसी की डेथ के साथ ख़त्म नहीं होती, उसकी एक नई जर्नी शुरू हो जाती है, और आपको उसके बिना रहना सीख जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ अभी इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में बची हुई है। तो आप उस ढंग से जिए कि आपको देख के औरों को कुछ सीखने को मिले, वो कुछ आपसे सबक ले सकें कि नहीं, लाइफ एंड डेथ दोनों ही आप अपनी ही लाइफ के पार्ट है, कभी ना कभी हम सबको ही जाना है। तो उसको इतना ग्रीफ में, इतना मिजरी के रूप में ना लें, उसको एक नॉर्मल रूप में लें। अगर उसको सेलिब्रेशन में नहीं आप ले सकते, आप बहुत खुश नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट आप नॉर्मल रहें, उसको एज ए डेली रूटीन में एक्सेप्ट करें अपने जीवन में कि जो चला गया उसने वापस नहीं आना है। लेकिन हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार आपको नहीं मिलेगी। आप अपने लिए जिए, आप दूसरों के लिए जिए, जिनको आपकी ज़रूरत है उनके पास पहुँचें, उन्हें कुछ दें, उन्हें कुछ सिखाएं, उनकी मदद करें, और इस तरीके से अपना मोटो चेंज कर लें, अपने जीवन का मकसद थोड़ा ब्रॉड कर लें, एकदम संकीर्ण होके ना सोचें। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कुछ दे सकते हैं दुनिया को, तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर कुछ आपका चला गया है, तो बहुत कुछ आपको आगे मिलने भी वाला है। ये विश्वास रखते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना चाहिए, और जो मिले उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, और यही मैंने किया अपनी जर्नी में। अब मुझे ये पता है कि जो चला गया उसको नहीं आना है, लेकिन जो है उनके साथ खुशी खुशी रहना है, उन्हें और खुशियाँ बांटना है, उन्हें जीने का सही ढंग सिखाना है, जो कि मैं खुद चल रही हूँ जिस रास्ते पे। मेरी कोशिश है कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सभी उस रास्ते को अडॉप्ट करें और खुशी से जीवन निकालें।